बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने इंग्लिश का लेक्चर नंबर 5 पढ़ना है, तो 5th लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत आसान टॉपिक होता है, मुफ्त के नंबर होते हैं इंग्लिश के वाले से। आपको पता है इंग्लिश में आपके 20 नंबर होते हैं टोटल, तो 20 में से खास तौर पे FPSC वालों ने 12 लेने होते हैं, 12 के बगैर आप पास ही नहीं होते हैं। और PPSC वालों ने भी, आपको पता है कि इंग्लिश में आपके मेन सब्जेक्ट होता है, तो इंग्लिश से ही आपका पास और फेल होने का जो ना, यहीं से आपका फैसला होना होता है। तो इंग्लिश में आपको पता है आपका 6 नंबर का जो पार्ट होता है ना, 6 नंबर का तो आपका आ जाता है जो वोकेबलरी का पार्ट, उसमें आपके पास सिनोनिम, एंटोनिम और आपके पास प्रोवर्ब्स वगैरह और वर्ब्स, इडियम्स वगैरह और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, वो तो समझ ले कि लक की बात होती है, किस्मत में अगर हुआ तो वो आपको 2-4 उसमें से नंबर लग जाते हैं, अदरवाइज अन सीन ही आते हैं। तो आपका फिर आ जाएगा यही आपकी इंग्लिश ग्रामर ही रह जाती है। तो इंग्लिश ग्रामर में आपके पास, आपको पता, दो आपके पास एक्टिवज पैसिवज के आने होते हैं, दो आपके पास जो है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीन के नरेशन के आ जाते हैं, दो आपके पास ना करेक्ट यूज ऑफ वर्ब के आ जाते हैं, दो आपके पास करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन के आ जाते हैं। प्रेपोजिशन को भी आजकल वो छोड़ चुका है, वो फ्रेजल वर्ब की तरफ मूव कर गया हुआ है PPSC और FPSC वाला, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास दो नंबर ये होते हैं कंडीशनल और कम्प्लेक्स सेंटेंस के वाले से। तो ये कंडीशनल और कम्प्लेक्स सेंटेंस के वाले जो आपके जो क्वेश्चन होते हैं, ये सबसे आसान होते हैं इंग्लिश के पार्ट में, ये सबसे आसान और मुफ्त के नंबर यही बस होते हैं, ठीक है जी। तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, तो ये टॉपिक आज इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक है ना, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक पे हमें जाना पड़ेगा इंग्लिश की, ठीक है। आप थोड़ा सा ऊपर चलते हैं जी, ठीक है, इसको हम स्टार्ट पर चलते हैं। तो थोड़ा सा जब तक आप इसके जो ना बेसिक को नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगी। ये हम चल जा रहे हैं जी ऊपर, बिल्कुल सबसे स्टार्ट पे, जो स्टार्ट पे आपकी इंग्लिश ग्रामर थी ना, ये यहाँ से बेसिक नॉलेज। जब तक आपको बेसिक नॉलेज का नहीं पता होगा, तब तक आप कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में फ़र्क नहीं कर सकेंगे। बेसिक नॉलेज का जो जस्ट आपको 3 से 4 मिनट में सारा ये इंशाल्लाह ताला कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज क्या है जी, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंटरनेशनल लैंग्वेज भी यही है। टोटल इसके 26 अल्फाबेट्स होते हैं जी, ठीक है जी। दो टाइप के अल्फाबेट्स होते हैं, 21 आपके पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 आपके पास वाउल्स होते हैं। वाउल्स होते हैं जिनकी आवाज़ अलिफ से निकलती है, ठीक है जी, AEIOU, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी लेटर ज्वाइन टू मेक्स वर्ड्स, ठीक है। आप जो ये जो आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, इनको जो 26 लेटर्स हैं इनको मिलाते हैं तो आपके पास वर्ड बन जाता है, ठीक है जी। जैसे ANT8, 3 लेटर्स मिलकर आपके पास एक वर्ड बन गया, ठीक है जी। अगर ये TNA, ये भी 3 आपके पास मिलकर तो एक वर्ड, ये वर्ड नहीं बना, ये रबिश बन गया, रबिश बन गया। ये वर्ड और रबिश में क्या फ़र्क है, जब दो या दो से ज़्यादा लेटर आपस में इस तरह से मिले कि आपके पास जो भी आपके पास जो वर्ड बन रहा है वो कोई मीनिंग फिल हो, मीन को उसका कोई माना भी हो, कोई मीनिंग उसका नज़र आ रहा हो, ठीक है जी, कुछ सेंस बन रही हो, वो आपके पास वर्ड होता है। और ऐसा वर्ड जिसकी कोई सेंस ना बन रही उसको हम रबिश कहते हैं, उसको उर्दू में कहते हैं मुखमल। उर्दू में क्या कहते हैं जी, मुखमल कहते हैं, मुहमल, मुहमल, ठीक है जी। तो जो ये रबिश का क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन उर्दू वाला जो मुखमल का क्वेश्चन आमतौर पर आया होता है, ठीक है जी। ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई माना नजर ना आ रहा वो आपके पास मुखमल होता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके पास जी फ्रेज, फ्रेज क्या है, अब देखें जी आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट्स है ना जी, ABC से लेकर Z तक। अब ये अल्फाबेट्स आपस में मिलते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, कोई वर्ड्स बन जाते हैं आपके पास, क्या बन जाता है जी, आपके पास वर्ड्स बन जाते हैं, आपके पास वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है जी। अब ये जो वर्ड्स है ना, 2-4 वर्ड्स मिलकर आपके पास क्या बनाते हैं, फ्रेज बना देते हैं। वर्ड्स मिलकर आपके पास क्या बनाते हैं, फ्रेज बना देते हैं, फ्रेज। अब फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज आपके पास आता है, ऐसा होता है जी, ये अल्फाज का इकट्ठ होता है, अल्फाज का मजमू आता है, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है आपके पास फ्रेज। अब फ्रेज जो है ना, फ्रेज में किसी किस्म की आपके पास जो है ना सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं होता है, ठीक है जी। क्या मतलब है, आपके पास जो फ्रेज है ना, फ्रेज में 3-4-5 आपके पास वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन इन वर्ड्स में या तो आपके पास जो है ना वर्ब, जो है ना वर्ब आपके पास गायब होगा, या आपके पास सब्जेक्ट गायब होगा, या नाउन गायब होगा। मीन के इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इकट्ठे आते हैं तो कोई सेंसेबल बन जाते हैं, कुछ सेंसेबल आपके पास सेंटेंस बनेगा, ठीक है। लेकिन जो आपके पास फ्रेज होता है, फ्रेज में किसी किस्म की कोई सेंस नहीं बन रही होती, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं होता। ये देखें जरा आपके पास क्या है जी, द बिग ब्राउन डॉग, द बिग ब्राउन डॉग, देखें इसमें आपके पास क्या, आपके पास एडजेक्टिव भी इसमें आपको नजर आ रहा है, आपके पास डॉग भी, इनके नाउन भी नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्ब कोई भी नजर नहीं आ रही, कोई काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये आपके पास फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज आपके पास है अल्फाज का इकट्ठ होता है, अल्फाज का ही मजमू आता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इकट्ठे कभी भी नहीं आते हैं। फिर आपके पास है क्लॉज, क्लॉज भी आपके पास फ्रेज ही की तरह है कि आपके पास अल्फाज का ही मजमू है, लेकिन क्लॉज में आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों इकट्ठे मौजूद होते हैं। किसी भी क्लॉज में
सब्जेक्ट और वर्ब आपके पास इकट्ठे मौजूद होते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद ये जो आपके पास क्लाज है ना, क्लाज की दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास है डिपेंडेंट क्लाज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लाज। डिपेंडेंट क्लाज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो मौजूद होता है लेकिन वो सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता, वो सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता है, वो अभी उसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लाज, मीन वो अभी डिपेंड कर रहा है अगली बात के ऊपर, वो कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं देता। और जो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लाज होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं और वो कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन भी दे रहा होता है, ठीक है जी। तो वो जो आपके पास ऐसा क्लाज जो आपका कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन देता है उसको हम सेंटेंस भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है जी। कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो दे रहा होता है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लाज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, साथ उसको हम सेंटेंस भी कहते हैं। अब चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर क्या है जी, आपके पास ऐसा सेंटेंस जिसके दो हिस्से हों, ऐसा सेंटेंस जिसके दो हिस्से हों, अब ये दोनों हिस्सों में क्या हो, एक आपके पास डिपेंडेंट क्लाज हो और एक आपके पास इंडिपेंडेंट क्लाज हो, एक आपके पास डिपेंडेंट क्लाज हो और एक आपके पास इंडिपेंडेंट क्लाज हो, वो और कॉमे के साथ या किसी कंजंक्शन के साथ आपस में जुड़े हुए हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास कंडीशनल सेंटेंस है, ये आपके पास कंडीशनल सेंटेंस है, ये आपके पास क्या जी, कंडीशनल सेंटेंस है। और अगर एक ऐसा सेंटेंस जिसके दो या दो से ज़्यादा हिस्से तो होते हैं लेकिन ये जो दोनों हिस्से होते हैं ना इंडिपेंडेंटली मुकम्मल सेंटेंस होते हैं, इनमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लाज होते हैं, ये आपका होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये आपके पास क्या होता है जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है जी। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है जी, एक आपके पास जो ना डिपेंडेंट क्लाज होगा और एक आपके पास इंडिपेंडेंट क्लाज होगा, मीन के एक हिस्सा जो होगा उसको हम अलहदा करें तो वो कंप्लीट सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वो नामुकम्मल फिक्रा होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों फिक्रे ही आपके मुकम्मल फिक्रे हों और आपस में कंजंक्शन या किसी कोमा के साथ जुड़े हों तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, उसको हम कंडीशनल सेंटेंस नहीं कहते हैं। और अगर एक ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें आपके पास जो ना एक आपके पास डिपेंडेंट क्लाज हो, आगे आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लाज हो, आगे फिर एक आपके पास इंडिपेंडेंट क्लाज हो, मीन के ये आखिरी दोनों को मिलाएं तो आपके पास मुकम्मल एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा हो, और पहले दो को मिलाएं तो आपके पास एक आपका कंडीशनल सेंटेंस बन रहा हो, तो फिर इसको हम कहते हैं कंडीशनल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मीन कि इसमें दोनों तरीके मौजूद हैं, कंडीशनल वाली भी शरायत में फुलफिल हो रही है और कॉम्प्लेक्स वाली भी फुलफिल हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको आप समझ लेंगे, ये आप पढ़िएगा तो इंशाल्लाह आपको सारे के सारे कंप्लीट सेंस समझ आ जाएगी, ठीक है जी। ये नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज वगैरह आप पढ़ेंगे तो आप समझ आ जाएगी, इसमें क्या है, ये बिग ब्राउन डॉग में इसमें सिर्फ आपके पास एक नाउन ही है, इसमें आपके पास सब वर्ब मौजूद नहीं है। उसके बाद वर्ब है जी हैज़ बीन स्टडिंग, आप देखें हैज़ बीन का स्टडिंग का मतलब है पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है वो मौजूद नहीं है, तो ये आपके पास ये वर्ब अब वर्ब फ्रेज आ गया, वर्ब मीन के अकेली वर्ब इसमें मौजूद है। प्रपोजिशनल फ्रेज, जीरण फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज वगैरह इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये मैंने जस्ट आपको आज बताना था। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारे पास है कंडीशनल सेंटेंस, वो हमारे पास क्या जी, कंडीशनल सेंटेंस। एक्टिव एज पैसिव चल रहे हैं, उसके बाद नीचे एक्टिव एज पैसिव अभी चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी आपके पास आ गए, ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया जी, कंडीशनल सेंटेंस। अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अ कंडीशनल सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस डैट एक्सप्रेस अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन आर कंडीशन डैट मस्ट बी मेट फॉर समथिंग एल्स टू हैपन। कंडीशनल सेंटेंस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, ये देखें जी टू मेन पार्ट्स इसके होते हैं, डिपेंडेंट क्लाज आल्सो नोन एज इफ क्लाज या कंडीशनल क्लाज इसको कहते हैं, एंड इंडिपेंडेंट क्लाज आल्सो नोन एज मेन क्लाज या रिजल्ट क्लाज, ठीक है जी। आपके पास जो कंडीशनल सेंटेंस है इसके दो हिस्से होते हैं, एक आपके पास जो ना डिपेंडेंट क्लाज होता है और एक आपके पास होता है इंडिपेंडेंट क्लाज। डिपेंडेंट क्लाज को हम इफ क्लाज भी कहते हैं, ठीक है जी, इसको कंडीशनल क्लाज भी कहते हैं, और ये जो आपके पास है इसको हम मेन क्लाज भी कहते हैं, रिजल्टेंट क्लाज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाज भी कहते हैं। दो क्लाज को मिलाकर जो सेंटेंस बनता है आपके पास कंडीशनल सेंटेंस होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो डिपेंडेंट क्लाज होता है ना वो आमतौर पे इफ़ से शुरू होता है, इफ़ से स्टार्ट होता है, या आपके पास जो ना इसमें अनलेस से स्टार्ट होगा या प्रोवाइडेड डैट से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आपके पास डिपेंडेंट क्लाज होता है, और इंडिपेंडेंट क्लाज जो है वो आपके पास वो आपके पास सेकंड क्लाज होता है, वो आपके पास कंप्लीट सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। अगर आप डिपेंडेंट क्लाज को वहाँ से उतार भी दें तो आपके पास क्या होगा, वो कंप्लीट सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन देगा। इसकी एग्जांपल देख लें, एग्जांपल दी हुई है इफ़ इट रेन्स, आगे कोमा है वी शैल स्टे इन द होम, ठीक है। अब देखें इफ़ इट रेन्स जो है ना, अब इफ़ इट रेन्स अगर बारिश हुई, अब देखें ये कंप्लीट सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये आपके पास डिपेंडेंट क्लाज है, मीन कि अगर बारिश हुई तो क्या होगा हमें नहीं पता, ठीक है। अब आगे बात क्या लिखी हुई है, हम घर में ही रहेंगे, तो आप देखें अगर बारिश हुई तो हम घर में ही रहेंगे, तो आप देखें अगर हम पीछे वाला काट भी दें तो आगे आगे कहता जी हम घर में ही रहेंगे, तो ये कंप्लीट सेंस आ रही है,
हम घर में ही रहेंगे, ये एक मुकम्मल सेंस आ रही है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है जी। तो जी आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास के बारे से बात होगी। अब जहाँ से आपको क्वेश्चन आना है पेपर में, ठीक है जी, आपको जो क्वेश्चन आना है वो आपसे यहाँ से आना है, यहाँ से आप ना जो आप टाइप से आना है, टाइप से यहाँ से आपको क्वेश्चन आना है। कंडीशनल सेंटेंस का पेपर में क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। यहाँ से क्या कैसे आएगा जी, इसकी टाइप्स आपके पास है जी। सबसे पहले जीरो कंडीशनल, आपके पास क्या जी, जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल कौन सी होती है, इसको हम कहते हैं जीरो कंडीशनल टाइप जीरो भी इसको कहते हैं, ठीक है जी। जीरो कंडीशनल आपके पास क्या जी, इसमें आपके पास क्या हो गया जी, इफ़ स्टार्ट होगा जी, इफ़ से फिक्रा स्टार्ट होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, इफ़ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और कॉमे के बाद फिर आपके पास जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा। अगर इसको आप गौर से याद कर लें, क्लियर कर लें, इफ़ के बाद मीन के जो भी आपके पास डिपेंडेंट क्लाज है उसके बाद आपने देखना आपके पास क्या आ रहा है। अगर तो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनेट है, प्रेजेंट इनडेफिनेट की आपको निशानी का पता होना चाहिए, क्या जी, उसमें आपके वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ नहीं होता, इसमें किसी किस्म का हेल्पिंग वर्ब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। तो आपके पास जो अगला फिक्र आएगा वो भी सिंपल प्रेजेंट का ही आएगा। तो आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा, वो आपको ये वाला दे देगा और आगे वाले में क्या करेगा, चार ऑप्शन आपको देगा, उसमें आपको जो ना प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, परफेक्ट का, वो सारे आपको फिक्र दे देगा। तो आपने देख लेना है, अगर इफ़ के बाद आपके पास प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस आपके पास मौजूद है, तो आपने एंड वाला भी आपने क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट ही लगाना है, ठीक है जी, समझ आ गई है जी। उसके बाद आपके पास इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स। अब देखें क्या मतलब है, अब देखें इफ़ के बाद आपके पास क्या है जी, पहला क्लास आपके पास है जी, इफ़ यू हीट, यू हीट, यू हीट का मतलब क्या है जी, आपके पास क्या है जी, यू के साथ आपने क्या करना होता है, एस या एस का इजाफा नहीं करना होता जी, आपके पास सिंपल प्रेजेंट है, और उसके बाद आगे भी इट बॉयल्स, ये भी आपके पास क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट ही आएगा, ठीक है जी। यही आपने बात याद करनी है, इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल। अब देखें यू मिक्स आपके पास क्या था, ये फर्स्ट फॉर्म थी, आपने वर्ब के लगाई हुई थी, तो आगे भी आप गेट मीन का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। इफ़ द टेम्परेचर ड्राप्स बिलो फ्रीजिंग वाटर टर्न्स इनटू आइस, ठीक है जी, वाटर टर्न इनटू आइस, ठीक है जी, समझ आ गया। मीन की सिर्फ आपने बात यही याद करनी है, अगर इफ़ वाला क्लास जो है या अनलेस लिखा हो या वेदर लिखा हो, मीन की जिस भी आपने जो शर्त वाले जो जो आपका डिपेंडेंट क्लास स्टार्ट हो रहा है उसके बाद आपने देखना, अगर आपके पास सिंपल प्रेजेंट है तो कोमे के बाद भी आपका सिंपल प्रेजेंट ही आना चाहिए था, दोनों में से एक वो क्लास को आपको वो खत्म करके तो आपसे पूछेगा, बताएं यहाँ पे टेंस कौन सा आना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल क्या है जी, फर्स्ट कंडीशनल में आपके पास है जी इफ़, उसके बाद आपके पास आ गया जी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है जी, और उसके बाद एंड पे होगा विल, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, विल के साथ आप क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आप दोनों में आपको फ़र्क बताऊंगा, पहले थोड़ा सा समझ लें, फिर आपने इन दोनों में फ़र्क समझना, जब आपको चारों हो जाएंगे तो आपको इसका फ़र्क जो ना ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, इसका फ़र्क आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, ठीक है जी। ये पहले इसको समझ लें, हाँ देखें, इफ़ इट रेन्स टूमारो आई विल स्टे एट होम। अब देखें, अब आपने सिर्फ यहाँ पे ये सिर्फ बात एक याद कर लें, अभी जो मैंने एक तरतीब के साथ याद कर रहे हैं ना, कि अगर आपके पास इफ़ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाता है तो आगे भी आपका प्रेजेंट ही टेंस आना है, अगर प्रेजेंट ना हो तो फिर आपके पास सिंपल फ्यूचर आ जाएगा, सिंपल फ्यूचर आ जाएगा। अगर इफ़ के बाद पहले फिक्रे में आपके पास क्या है, पहले फिक्रे में अगर आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आगे भी आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, या आपके पास सिंपल फ्यूचर आएगा, विल वाला आएगा, क्या आएगा, विल वाला आएगा। अगर वो ऐसे करता है इफ़ लगा के, ये वाला फिक्र आपको नहीं देता और एंड वाला फिक्र आपको दे देता है, तो फिर आपने देखना, अगर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है इसका मतलब है यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए, अगर यहाँ पे भी आपके पास सिंपल फ्यूचर है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट ही आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट ही आना चाहिए, ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। एक बात आपने यहाँ से क्लियर कर ली कि अगर आपके पास सेकंड में आप इफ़ या फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, अगर सेकंड क्लास में विल वाला हो, मीन के फ्यूचर हो, तो आपने पीछे पी प्रेजेंट ही लगाना है, फ्यूचर को आप रिपीट नहीं कर सकते, फ्यूचर कभी भी रिपीट नहीं होता है, फ्यूचर कभी भी रिपीट नहीं होता है, ये आपने बात याद कर लेनी है। अगर जो जो, जो ना आपका जो प्रेजेंट है वो आपके पास जो ना वो रिपीट हो सकता है, मीन के इफ़ के साथ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, अगर सेकंड क्लास में आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो पीछे आपके पास सिंपल प्रेजेंट आ सकता है, मीन के ये प्रेजेंट प्रेजेंट आपस में रिपीट हो सकते हैं, इधर भी प्रेजेंट इधर भी प्रेजेंट, लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास विल या शैल आ जाए, मीन के यहाँ पे आपके पास फ्यूचर आ जाए, तो पीछे आपके पास हमेशा क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट ही आएगा, पीछे आपके पास फ्यूचर नहीं आएगा, पीछे आपके पास फ्यूचर नहीं आएगा, ये आपने हमेशा बात याद कर लेनी है, पक्की बात याद कर लेनी है, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। मुझे उम्मीद है कि आप तक जो मैंने आपको बात बताई है वो समझ आ गई होगी।
इफ के बाद आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आगे आपके पास दो आपके पास ऑप्शन है, या तो सिंपल प्रेजेंट आएगा या आपके पास फिर सिंपल फ्यूचर आएगा। सिर्फ यही बात अभी तक आपने याद की है, अभी तक सिर्फ यही बात अगर आपको बात क्लियर हो गई है तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लें जी। एग्जांपल है इफ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक, ठीक है। देखें ना पीछे आपके पास सिंपल प्रेजेंट आ गया, आगे आपने विल लगा दिया। इफ ही आप थोड़ा सा इसको मैं आपको जो ना इसको जूम कर दूं जी, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको सही नजर आ जाए। इफ यू मिस द बस, इफ यू मिस द बस यू विल बी लेट फॉर वर्क, ठीक है जी। पीछे देखिए अगर आपके पास सिंपल प्रेजेंट आ गया तो आगे आपके पास फ्यूचर ही आ सकता है, ठीक है जी। फ्यूचर भी आ सकते हैं और आपके पास सिंपल प्रेजेंट भी आ सकता है, इन दोनों में फर्क वो आपको एंड पे बताता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आती है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में क्या जी, सेकंड कंडीशनल में यह है कि आपके पास इफ के बाद सिंपल पास्ट आ जाता है, इफ के बाद अगर सिंपल पास्ट आ जाता है, इफ के बाद सिंपल पास्ट आ जाता है। आप देखें ना अब आपने इसको एक सीक्वेंस के साथ याद करने चीज़ों को सारा आप इकट्ठा करके इनको कंपैरेटिवली याद करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। पहले आपके पास था इफ के बाद आपके पास सिंपल प्रेजेंट आया और आगे भी आपके पास सिंपल प्रेजेंट आ गया, सिंपल प्रेजेंट आ गया, यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट आ गया। दूसरे में आपके पास इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट आया और आगे आपके पास क्या आ गया, फ्यूचर आ गया। अब थर्ड में क्या इफ के बाद आपके पास पास्ट आ रहा है, इफ के बाद आपके पास पास्ट आ रहा है। अगर आपके पास इफ के बाद पास्ट आ जाए ना तो आगे भी पास्ट आएगा, आगे भी पास्ट ही आएगा। पास्ट विल बी फॉलोड बाय पास्ट, पास्ट विल बी फॉलोड बाय पास्ट, ये पक्की बात आपने याद कर लेनी है, ठीक है जी। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। आपने क्या किया फिर इसके एक और तरीके से याद कर लें, अगर सिंपल प्रेजेंट दूसरे में है तो पहले में भी सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए। अगर सिंपल पास्ट आपके पास जो है ना, आपके पास जो है ना सेकंड में है तो पीछे भी आपके पास पास्ट ही आना चाहिए। अगर इधर आपके पास फ्यूचर है, इधर आपके पास फ्यूचर है तो पीछे आपके पास प्रेजेंट आना चाहिए, फ्यूचर नहीं आना चाहिए। मीन के प्रेजेंट और पास्ट आपस में इनकी बनती है, ये सलूक के साथ रहते हैं, ये दोनों इकट्ठे आते हैं, लेकिन फ्यूचर जो है ना फ्यूचर के साथ फ्यूचर पीछे नहीं आता है, फ्यूचर के साथ पीछे फ्यूचर नहीं आता है। ये आपने बात क्लियर कर लेनी है, ठीक है जी। क्लियर होगी बात, तो आप क्या करेंगे, अगर पीछे सिंपल पास्ट आ गया तो आगे आप वुड लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वुड आपको पता है आपके पास क्या होता है जी, आपके पास ये पास्ट को ही शो कर रहा होता है, ठीक है जी। वुड लगा के आप फर्स्ट फॉर्म करेंगे, क्योंकि आपको वुड जो है ना वुड आपके पास मॉडल वर्ब है ना, तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी होती है। If I won the lottery, I would buy a house. ठीक है जी, वन आप देखे ना ये सेकंड फॉर्म आ गई ना, तो आपको फटाफट पता चलेगा ये आपके पास पास्ट का सेंटेंस है। If I had a million dollar, I would buy a yacht. ठीक है जी, समझ आ गई है जी। अब देखिए अगर पीछे पास्ट आ गया तो आगे भी पास्ट ही आएगा। अगर आपके पास इफ के साथ ये वाला फिक्रा वो खत्म कर देता है और ये वाला आपको दे देता है तो कहता जी बताएं पीछे में क्या आएगा, तो आपने देखना ये वुड आया हुआ है। अगर वुड आया हुआ है इसका मतलब है आपके पास पीछे पास्ट आना चाहिए, पीछे क्या आना चाहिए, पास्ट आना चाहिए। तो आप ऑप्शन में से देख लेंगे जो वाला पास्ट वाला फिक्रा होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके पास थर्ड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल आपके पास है जी, आपके पास है जी अगर पीछे पास्ट परफेक्ट आ जाता है, हैड आ जाता है, इससे पीछे आपके पास आता है पास्ट परफेक्ट आ जाता है, आपके पास पीछे पास्ट परफेक्ट आ जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे आगे वुड हैव लगाएंगे, वुड हैव या कुड हैव लगाएंगे, साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आपको पता है वुड कुड अकेला है तो फिर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो हैव अगर आ जाए तो फिर आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। सिर्फ आपने ये निशानियाँ याद करनी है, बाकी कंसेप्ट याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ यही आपने देखे, आपने सिर्फ अपना फिक्रा ही देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक आएगा। If she had studied harder, ठीक है आप देखें ना ये आपके पास had studied आ गया ना, had के साथ थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये आपके पास past perfect आ गया, तो आगे आपके पास would have passed आ गया, would have passed आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या निशानी याद करनी है, अगर आपके पास सेकेंड जो फिक्रा है, सेकेंड फिक्रा में सिर्फ आ जाए आपके पास would, सिर्फ would आए तो पीछे आपके पास क्या आएगा, आपके पास सिंपल पास्ट आएगा, पास्ट इंडेफिनेट आएगा। अगर would के साथ have भी आ जाए, वुड के साथ हैव भी आ जाए, इसका मतलब पीछे हैड आना चाहिए, पीछे हैड आना चाहिए। वुड के साथ हैव आ जाए, हैज आ जाए, जो भी आ जाए, ठीक है जी, तो आपने क्या करना है पीछे हैड आना चाहिए, पीछे फिर हैड आना चाहिए, ठीक है जी। समझ आ गई है, तो ये आपके पास है इनकी दो चार जो ना कंडीशन था, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा इसको रिवाइज करा दूँ। अगर आपके पास इफ के बाद आपके पास सिंपल पास्ट आ गया, सिंपल प्रेजेंट आ गया, तो आगे भी सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए। इफ के बाद यहाँ पे आपके पास जो है ना सिंपल प्रेजेंट हो तो आगे फ्यूचर भी आ सकता है। अगर इफ के बाद यहाँ पे पास्ट आ गया तो आगे भी पास्ट ही आएगा। अगर यहाँ पे आपके पास हैड आ गया तो आगे पास वुड हैव आएगा,
वुड हैव या वुड हैज आएगा, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो जी आपके पास चार इसकी कंडीशंस होती हैं, चारों आपने याद कर लेनी है। ये अगर प्रेजेंट है तो पीछे भी प्रेजेंट आएगा, अगर पास्ट है तो पीछे भी पास्ट आएगा, अगर यहाँ पे हैव है तो पीछे भी हैड आएगा, अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर के मामले में थोड़ा सा सेपरेट याद करना है, पीछे पास्ट प्रेजेंट आएगा, फ्यूचर के पीछे फ्यूचर नहीं आ सकता है, फ्यूचर के पीछे फ्यूचर नहीं आ सकता है। अब ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, ये सारी सारी यहाँ मुझे मैंने नीचे लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखी हुई हैं। पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट, एक बात होगी, अगर आगे पास्ट आ तो पीछे भी पास्ट आएगा, ठीक है। अगर पीछे और इसमें दोनों में आपने क्या फ़र्क याद करना है, एक बात अब तो आपने ये याद कर ली, पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट, आगे भी पास्ट आ तो पीछे भी पास्ट आएगा, लेकिन पास्ट में भी दो शर्तें हैं, अगर इसमें अकेला वुड हो, अगर अकेला वुड हो तो पीछे आपके पास आएगा पास्ट इंडेफिनेट, सिंपल पास्ट आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। अगर वुड के साथ हैव हो तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा, मीन के हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। और अकेले वुड के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और वुड हैव के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये आपने दो चार कंडीशन याद कर ली पास्ट फॉलोड बाई पास्ट के लिए। उसके बाद आप कहते हैं फ्यूचर टेंस कैन नॉट बी रिपीटेड, ये आपने बात याद कर लिया, अगर आपके पास आगे फ्यूचर है तो पीछे आपके पास फ्यूचर नहीं आएगा, प्रेजेंट आएगा, फ्यूचर नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा, ठीक है जी, समझ आ गई है जी। उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस शुड बी क्लैरिफाइड, क्या मतलब है, सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट परफेक्ट, आप जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि पास्ट सिंपल पास्ट वो होता है जिसमें आपके पास क्या होती है जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और पास्ट परफेक्ट में क्या होती है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये आपने क्लियर कर लेनी है बात, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, ये है जी आपके पास ऑलरेडी नेवर टिल नेवर एवर बिफोर, जो सारे के जो है ना, अगर ये आ जाए तो इसके पीछे भी पास्ट परफेक्ट आएगा, इसके पीछे भी पास्ट परफेक्ट आएगा, अगर आपको सेकंड फिक्रे में ये जो वर्ड नज़र आ जाए तो इनके पीछे हमेशा क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट ही आएगा। उसके बाद सिंस इज यूज फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम एंड फार इज यूज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, ये तो आपके पास है, सिंपल सी बात है जी, सिंस और फार वाला अपने जो ना कंटिन्यूस टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूस जो भी आप पढ़ते हैं ना उसमें जो जो उसमें टाइम यूज होता है, तो ये सिंपल बात होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जो आप जब टेंस पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये बात आपने क्लियर करनी होती है, ठीक है। एज इफ एज दो इट इज टाइम इट इज हाई टाइम ऑलवेज फॉलोड बाई द पास्ट टेंस, ठीक है जी, अगर आपके पास ये लफ्ज नजर आ जाए एज इफ एज एज दो इट इज टाइम इट इज हाई टाइम, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये आपके पास इसको हम इसके पीछे पास्ट ही आना चाहिए। ये आपके पास एग्जाम्पल दें जी, ये हम थोड़ा सा करते हैं तो इसको समझ के करने की कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह ताला आपका सारा के सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ही सेड डैट ही इज अ टीचर, ये गलत है, अब देखें ये क्यों गलत हो गया, देखें जरा इसको थोड़ा सा गौर करते हैं, ठीक है जी, ये गलत क्यों हुआ है। ही सेड ही इज अ टीचर, देखें ही सेड पीछे आपके पास सेड आ गया, सेकंड फॉर्म है ना, सेड क्या मतलब है, ये पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही आना चाहिए था, इज तो आपके पास प्रेजेंट होता है, ये गलत हो गया। ही सेड डैट ही इज अ टीचर, ये गलत है, ही सेड डैट ही वाज अ टीचर आना चाहिए था, ठीक है जी। पास्ट फॉलोड बाय पास्ट, ये आपने बात याद करके ही हुई है पहले, पास्ट फॉलोड बाय पास्ट आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्या जी, ही सेड डैट शी विल गो टू लाहौर, आप देखें ये विल आ गया, विल आपके पास फ्यूचर है, फ्यूचर के पीछे क्या आना चाहिए था, प्रेजेंट आना चाहिए था, क्या आना चाहिए जी, प्रेजेंट आना चाहिए था, ये तो फिर गलत हो गया, ये तो गलत हो गया हो गया। या ये ऐसे देखें आपके पास यहाँ पे पास्ट है ना, ये पास्ट सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट सेट लिखा हुआ है, तो इसके आगे क्या वुड आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, वुड आना चाहिए था, वुड गो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी, ही सेड डैट शी वुड गो टू लाहौर, ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास है जी, नेक्स्ट आपके पास है जी, ही सेड डैट हेस्ट मेक्स वेस्ट, अब यहाँ पे क्या है जी, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके पास सिंपल प्रेजेंट पास्ट लिखा हुआ है, ये सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, लेकिन आगे आपके पास प्रेजेंट है, तो ये मैंने इसको करेक्ट किया हुआ, क्यों, ये आपके पास जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर किसी किस्म का रूल अलाउ जो लागू नहीं होता, यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर किसी किस्म का रूल जो है वो लागू नहीं होता, ये पीछे पास्ट है तो जो मर्जी हो आगे जो मर्जी होना चाहिए, ठीक है जी। तो रूल जो ना यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो वैसे ही होता है, ठीक है जी। आई शैल गो टू कॉलेज, यू विल मीट मी देयर, ये गलत है, क्यों, देखें शैल और विल फ्यूचर जो ना ये आपस में कभी भी क्या होते हैं, फ्यूचर कभी भी आपस में क्या करते हैं, ये रिपीट नहीं होते, फ्यूचर आपस में रिपीट नहीं होते। आई गो टू कॉलेज एंड यू विल नॉट मीट मी देयर, ये करेक्ट है, देखे ना, यह विल आ गया ना, तो विल के पीछे प्रेजेंट आना चाहिए, विल के पीछे क्या आना चाहिए था, प्रेजेंट आना चाहिए था, ये मैंने आपको बात बता दी है। ही हैड गोन टू स्कूल, ही हैड गोन टू स्कूल, ये गलत होता है, क्या जी, ही वेंट टू स्कूल आएगा, ही वेंट टू स्कूल आएगा, गोन टू स्कूल नहीं आएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है जी, ही हैड डाइड 5 years अगो, ठीक है जी, ही हैड डाइड जो ना ये गलत है, ही डाइड 5 years अगो, ठीक है, ये हैड डाइड नहीं आएगा, डाइड आएगा जब जब आपके पास क्या जी,
जो आपके सिंपल पास्ट के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अब ये एग्जांपल जो है ना सारी कर लेंगे। सिर्फ ये तीन चार ही आपके पास बातें मैंने आपको बताई हैं, इससे आगे नहीं जाएगा। ये कंडीशन सेंटेंस का टॉपिक बड़ा गंभीर सा टॉपिक है, बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन हमने पीपीएससी और एफपीएससी का आंसर है ना, तो सिर्फ यही आएगा। सिंपल प्रेजेंट आएगा, अगर फ्यूचर आएगा तो पीछे प्रेजेंट आएगा, अगर पास्ट और पास्ट आएगा और पास्ट परफेक्ट आएगा तो आगे वुड हैव लग जाएगा, अगर सिंपल पास्ट आएगा तो आगे सिर्फ वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये तीन चार पाँच बातें थी, आपने यही आपने याद करनी है बार बार, इंशाल्लाह आपके पास कंडीशनल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।